गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स, लेसन को आगे स्टडी करते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन ए द जापानीज क्लोथ्स विच सुधाव हैड गिवन हिम एंड एट द लास्ट मोमेंट सुधाव रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अराउंड हिज ब्लोंड हेड। उसे अब जापानी वस्त्र पहनाए गए जो सुधाव ने उसको दिए थे, और आखिरी पल में सुधाव ने उसके भूरे सिर पर एक काला कपड़ा ढक दिया, रेप्ड मीन ढकना डाल दिया। नाउ सुधाव सेड, सुधाव ने कहा अब। द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड शुक सुधाव्स हैंड वार्मली एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। वार्मली, गर्मजोशी से नौजवान अमेरिकी एक भी शब्द बोले बगैर गर्मजोशी से सुधाव का हाथ उसने हिलाया और फिर शांत फर्श पर चल पड़ा, और उसने बाग के अंधेरे में बार कदम रखा। वंस ट्विस सुधाव सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे। एक बार दो बार सुधाव ने उसे रास्ता दिखाने के लिए अपनी टॉर्च को जलाया, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन तब तक कोई शक नहीं हुआ। ही वेटेड अनटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश। ही वेटेड, वह इंतज़ार करता रहा जब तक समुद्री तट से एक और बत्ती दिखाई नहीं पड़ी। देन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर उसने पर्दा बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात को वह सोया। कहने का मतलब सोता तो वह रात को था, लेकिन निश्चिंत रूप से पहली बार उस रात को वह सोया, बिल्कुल निश्चिंत होकर। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, धीमे स्वर में जनरल ने पूछा, तो तुम कहते हो वह आदमी चला गया, बचकर भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सुधाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। एक सप्ताह पहले उसका ऑपरेशन किया गया था, एक आपातकालीन ऑपरेशन जिसको रात के दौरान सुधाव को बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे तक सुधाव हैड नॉट बीन श्योर, सुधाव का वो भरोसा नहीं था द जनरल वुड लिव, कि जनरल बचेगा, जीवित रहेगा। ये जनरल के ऑपरेशन की बात है, जो सेना का जनरल था। द गॉल ब्लैडर वाज मच इन्वॉल्व्ड, उसका पित्ताशय ज़्यादा खराब हो गया था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। फिर बूढ़े आदमी ने गहराई से सांस लेना शुरू किया था और भोजन की उसने मांग की थी। ये स्टूडेंट्स आगे स्टडी करते हैं। सुधाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, सुधाव हथियारों के बारे में पूछने में योग्य नहीं था। सो फार एज ही न्यू, जहाँ तक वह जानता था, दे हैड नेवर कम, वे कभी आए ही नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड, नौकर वापस लौट आए थे। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थरोली, और यूमी ने अतिथि कक्ष को पूरी तरह से साफ कर दिया था। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट, और गोरे आदमी की गंध को कमरे से बाहर निकालने के लिए उसने सल्फर जलाया था। नोबडी सेड समथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस, केवल माली ही गुस्से में था, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसेंथेमम्स। क्रिसेंथेमम्स मीन गुलदाउदी के फूल, क्योंकि वह अपने गुलदाउदी के फूल के कामों में पीछे रह गया था, लेट हो गया था। बट आफ्टर ए वीक सुधाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। लेकिन एक सप्ताह के बाद सुधाव ने महसूस किया कि जनरल अब इतना स्वस्थ हो गया था कि वह कैदी के बारे में बोल सकता था। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सुधाव नाउ सेड, सुधाव ने अब कहा हाँ महाराज, वह बच गया, चला गया। ही कफ्ड, वह खांसने लगा, सिग्निफाइंग इस बात का संकेत था दैट ही हैड नॉट सेड ऑल, कि वह सब नहीं कह पाया था। ही माइट
हैव सेड, जो वह कह सकता था, बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन वह जनरल को और आगे परेशान करना नहीं चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आई सडनली, लेकिन बूढ़े आदमी ने अब आगे आँखें अचानक आँखें खोल ली थी। आगे स्टडी करते हैं। दैट प्रिजनर ही सैड विद सम एनर्जी, उसने कुछ ऊर्जा के साथ कहा, वह कैदी, डिड आई नॉट प्रोमिस यू, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया, आई वुड किल हिम फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूंगा। यस यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड, सदाव ने कहा, हाँ महाराज। वेल वेल, खैर, द ओल्ड मैन सैड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य के स्वर में कहा, ठीक है ठीक है, सो आई डिड, इसलिए मैंने ऐसा किया, बट यू सी, लेकिन तुम देख लेना, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा था। द ट्रूथ इज, सच्चाई यह है, आई ऑट ऑफ नथिंग, मैं किसी बात के बारे में मैंने नहीं सोचा, बट माई सेल्फ, केवल अपने बारे में सोच रहा था। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, संक्षेप में कहें तो मैं अपना वादा निभाना भूल गया। डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक स्टडी करते हैं, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव